नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राजस्थान में चल रही बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। वो है विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, वह कौन कौन सी योजना है और उनके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, उनकी वह योजना कब से प्रारंभ हुई और उसके लिए कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कब से उनके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और आप कब से उनमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रम संख्या इसमें चार है, चार योजना के बारे में बात करेंगे और योजना का नाम यहाँ दे रखा है कौन सी योजना है, और फिर है पोर्टल पर जो प्रारंभ तिथि है वह, और फिर है पोर्टल बंद होने की तिथि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो है सबसे पहले कालीबाई बी मेधावी छात्रा स्मृति योजना। तो यह वर्ष 24 के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, जो कि पोर्टल प्रारंभ हो गया है और पोर्टल जो प्रारंभ होने की तिथि है 1/7/2023 से पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि है और पोर्टल बंद होने की तिथि है 31/7/2023 तक। तो दोस्तों, ये मतलब कि जो भी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्मृति योजना है उसका पोर्टल प्रारंभ हो गया है 1/7/2023 से और 31/7/2023 तक ये बंद होगी। आप तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ईमित्र के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईमित्र के माध्यम से आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे उससे पहले आपको अपना जन आधार है उसे अपडेट करवा लेना है, उसमें आधार नंबर और बैंक डायरी को अपडेट करवा लेना है तथा अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें भी आधार को लिंक करवा लेना है ताकि इसमें कोई दिक्कत आपको आगे नहीं आए। दोस्तों, आगे हम दूसरी योजना की बात करें, देव नारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना, इसका जो पोर्टल प्रारंभ होने की तिथि है वह है 1/7/2023 से 31/7/2023 तक रहेगी। आप 1/7/2023 से लगभग 31/7/2023 तक इसमें फॉर्म ईमित्र के माध्यम से भर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम देखते बात करें तीसरे नंबर की जो योजना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो फॉर्म भरने की तिथि है वह प्रारंभ हो चुकी है 1/7/2023 से, वो उसकी अंतिम तिथि है पोर्टल बंद होने की 31/7/2023 तक। तो आप 1/7/2023 से लगाकर 31/7/2023 तक ईमित्र के माध्यम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चौथी योजना की बात करें तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो दोस्तों, इसकी भी 1/7/2023 से फॉर्म भराना शुरू हो चुके हैं और 31/7/2023 तक इसके फॉर्म भराएंगे। तो आप ईमित्र के माध्यम से इस योजना में भी फॉर्म भर सकते हैं 1/7/2023 से 31/7/2023 तक। आप इन चारों योजनाओं की तिथि जो प्रारंभ तिथि है 1/7/2023 है और इनकी जो अंतिम तिथि अभी है आगे बढ़ भी सकती है, वो आपको बाद में जानकारी होगी और मैं भी बता दूंगा आपको जब आगे जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें कि कब से कब तक वापस आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो अभी आप अपना जन आधार अपडेट करवा लें, उसके बाद में इन चारों योजना में से आप जिसमें फॉर्म भर सकते हैं उसमें फॉर्म भरें और इनकी चारों की तिथि एक की रखी गई है अभी तक कि 1/7/2023 से शुरू हो चुके हैं और 31/7/2023 तक इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।